हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2.1 होम थिएटर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम वही दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, और उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और उसकी फ्रेंड्स आपको प्राइस भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी सामान देख रहे हैं सब फ्रेंड्स हमारे होम थिएटर के पार्ट हैं जो कि होम थिएटर में यूज होने वाला है। और फ्रेंड्स, जो होम थिएटर हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो हम इन्हीं सब सामान का यूज़ करके बनाएंगे, तो हमने सोचा एक अलग से हम वीडियो बना देते हैं जिससे कि फ्रेंड्स आपको इन सारे सामान का हम डिटेल में बता सकते हैं ताकि आपको जो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपने बोर्ड पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हम 2.1 होम थिएटर बोर्ड बना रहे हैं जो कि 7265 IC वाला बोर्ड बना रहे हैं, फ्रेंड्स हमने इस बोर्ड का यूज़ करके कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया, कोई भी होम थिएटर हमने नहीं बनाया इसका यूज़ करके। हमने जो है TDA 20-30 या 20-50 IC का यूज़ करके होम थिएटर बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये 7265 IC वाला बोर्ड है। चलिए हम आपको एक बार खोल के इसको जल्दी से दिखा देते हैं। इसमें फ्रेंड्स मोंटी कंपनी का लिखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा बोर्ड है। तो ये देखिए, इस तरीके से बोर्ड निकला है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। पीस भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पतला पीस भी है टूट जाए, तो इसकी काफ़ी अच्छा क्वालिटी। और फ्रेंड्स, में देखिए 2 IC लगी है 7265 की। आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी IC है। ये देखिए, डबल IC है। तो फ्रेंड्स, एक IC हमारी बूफर के लिए होती है, बाकी 2 सेटेलाइट स्पीकर के लिए होती है। और फ्रेंड्स, जो एक IC का जो हमारा आउटपुट होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 50 वाट होता है, तो 50 वाट ये आउटपुट डिलीवर कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये दोनों IC मिला के 100 वाट का बोर्ड है। तो यानी आपका जो बोर्ड है 100 वाट का है, 25-25 वाट सेटेलाइट स्पीकर के लिए। और फ्रेंड्स, ये हमारा 2.1 होम थिएटर बोर्ड है। 2.1 मतलब कि इसमें एक बूफर लगेगा और 2 इसमें यहाँ पे आपका स्पीकर लगेगा, सेटेलाइट स्पीकर आप बोल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 7265 IC है। बाकी फ्रेंड्स, इस बोर्ड के साथ हमको कोई सा भी कनेक्टर नहीं मिला, तो कनेक्टर जो है हमको अलग से खरीदना पड़ेगा। एक कनेक्टर हमको 5-5 रुपये का मिलता है। और फ्रेंड्स, इसका जो हमने कनेक्शन का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, मगर एक बार मैं आपको इसका कनेक्शन भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे जो 2 पिन लिखा है, ये हमारा बूफर के कनेक्शन होंगे, जो कि आप इसे 50 वाट के बूफर का कनेक्शन करेंगे साइफी के बगल में। तो ये बूफर का कनेक्शन हो गया। और फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होंगे 12012, नहीं तो आप इसमें जो है 18018 यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप इसमें जो 18018 यूज़ करिएगा, 5 एम्पीयर तक का, 5 एम्पीयर से कम मत यूज़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी IC होती है, काफ़ी ज़्यादा लोड ये लेता है। तो कि जितना अच्छा आपका पावर सप्लाई होगा उतना अच्छा बेस आएगा इसमें। तो इसमें जो है 18018 5 एम्पीयर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 18018 नहीं मिलता तो 15015 आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 12012 भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा आप साउंड इसमें बढ़ाएंगे 40% के ऊपर, तो आवाज़ जो है फट सकती है या साउंड क्वालिटी इतनी क्लियर नहीं आएगी, नहीं तो फिर ये हमिंग भी करता है फ्रेंड बोर्ड इसलिए। और फ्रेंड, इसमें एक खासियत और है कि इसमें आपका जो है वॉल्यूम ट्रेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें सिंपल है। पोटेंशियल मीटर जो इसमें लगेगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे जो 3 पिन वाला कनेक्शन, यहाँ हमारा सेटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होगा। ये देखिए, यहाँ पे बीच वाला ग्राउंड हो जाएगा, ये मतलब कॉमन हो जाएगा दोनों स्पीकर में, बाकी एक लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगा। और फ्रेंड, इस यहाँ पर भी आप देखिए 2-2 पिन का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा सेटेलाइट स्पीकर के लिए ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें 2 सेटेलाइट स्पीकर इसमें लगा सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें या तो आप इसमें कनेक्शन करिए या इसमें कनेक्शन करिए, बट हम जो है इसमें कनेक्शन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कनेक्टर हमारे पास 2 पिन वाला अवेलेबल नहीं होगा, तो हम इसमें कनेक्शन करेंगे। नहीं तो आप इसमें भी अलग अलग दोनों स्पीकर का 2-2 पॉइंट आप कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, ये हमारा 4.1 आप मत इसे बना दीजिएगा कि यहाँ 2 स्पीकर कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर भी 2 स्पीकर कनेक्ट कर दिए, IC पे लोड पड़ेगा। तो अब इसमें 2 स्पीकर कनेक्ट करना, या तो इसमें करिए या तो इसमें करिए। आप बैक से देख सकते हैं इसका यहाँ पे वायर जो है यहाँ पे शॉर्ट है, ये वायर यहाँ पे गया है। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो है यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल को पावर देने के लिए होगा 5 वोल्ट, जिसमें कि यहाँ पे देखिए 7805 IC लगी है, जो कि 12 वोल्ट को यहाँ पे 5 वोल्ट कन्वर्ट करके ब्लूटूथ पैनल को देगा। तो सिंपल है, यहाँ 5 वोल्ट का आप अपना लगा सकते हो ब्लूटूथ पैनल। और यहाँ फ्रेंड्स ऑडियो सिग्नल के लिए होगा, जो कि फ्रेंड्स हमारे ब्लूटूथ पैनल से यहाँ पे कनेक्ट होगा, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। तो इसका कनेक्शन फ्रेंड्स हमने बता दिया है, बाकी काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप पोटेंशियल मीटर इसमें 100K का लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी चाहे तो लगा सकती है, बट इसमें फ्रेंड्स फायदा ये है कि आप बैक से यहाँ पे सोल्डिंग करके वायर बढ़ा देना है, तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना है। तो आप इसमें जो है 6 पिन का वॉल्यूम वाला लगेगा, 6 पिन का आपका जो ट्रेवल के लिए लगेगा। बाकी फ्रेंड्स, आप इसमें 3 पिन या बेस के लिए 3 पिन, या तो आप उसमें जो है 6 पिन का लगा सकते हो, बट यहाँ पे 3 पिन लगाइए, क्योंकि बैक में आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो यहाँ पे आप 3 पिन का पोटेंशियल मीटर 100K का यूज़ करिए, और ट्रेवल के लिए आप जो है 6 पिन का, बाकी यहाँ पे 6 पिन का आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। तो मैं एक बार आपको पोटेंशियल मीटर दिखा देता हूँ। देखिए, इसके यहाँ पे 6 लेग हैं, ये देखें, जो कि फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको जो इससे जो होम थिएटर में लगाना, तो अब इसको फिर आप जो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वायर आप सोल्डिंग करके बढ़ा के आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे पहले से लगा के नहीं रखा है। तो और ये जो फ्रेंड्स हमारा यही वाला जो है 100K वाला, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं ट्रेवल के लिए। और इसके बाद फ्रेंड बेस के लिए आप ये देखिए 3 पिन वाला यूज में ले सकते हैं, बाकी 6 पिन लगा सकते हो, कोई मतलब है नहीं उसका। 6 पिन वाला महंगा ही मिलता है, तो ये वाला जो हमको 3500 रुपये का मिला है। और आप देखिए इस तरीके से हमने छोटे पिन वाला यूज़ किया, बाकी आप बड़े पिन वाला अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो।
तो ये देखिए तीन पिन वाला इसमें जो इस तरीके से यहाँ पे तीनों वायर जो पैरेलल आप लगा सकते हो, तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। तो बोर्ड का कनेक्शन हमने बता दिया फ्रेंड। बाकी ये बोर्ड जो हमको 850 रुपये का मिला है। और फ्रेंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें जो हीट सिंक लगा है काफ़ी छोटा हीट सिंक लगा है फ्रेंड्स। इसमें अलग से देखिए हीट सिंक लगाने के लिए दिया है। अगर आप इसे डायरेक्टली लगाओगे 15 मिनट में ही ये हीट काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है और हमारी आईसी जो खराब हो जाएगी। और आईसी जो इसी बहुत महंगी आती है, 170-180 की आईसी ही आती है, इसलिए बोर्ड ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो आपको इसमें अलग से हीट सिंक लगाना पड़ेगा। देखिए हीट सिंक हमने साइड में यहाँ पर रखा भी है, इसके लिए ही हीट सिंक यूज़ किया है, देखिए खरीदा है हमने। तो इसका जो वेट है फ्रेंड्स हमारा 600 ग्राम है, काफ़ी बड़ा हीट सिंक है। तो फ्रेंड्स आप ये भी आप हमसे ले सकते हो, ये 450 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होल करके देखिए, इस तरीके से हमको यहाँ पे पीछे साइड जो होम थिएटर हम टावर स्पीकर बनाएंगे उसमें हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने हीट सिंक का भी आपको दिखा दिया, तो इसको हम एक बार पैक करके रख देते हैं अंदर। अब फ्रेंड्स हम पावर सप्लाई पे आ जाते हैं। ये देखिए, तो हम इसमें पावर सप्लाई देखिए मार्शल कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। 18018 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, काफ़ी ज़्यादा वेट है फ्रेंड्स। तो इसको हम पहले हम बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर है, काफ़ी ज़्यादा वेट है। और फ्रेंड्स 12012 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, ये हमको 750 रुपये का मिल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर है, तो आप इसको जो इसी को ट्रांसफार्मर को आप यूज़ करिएगा। बाकी आप इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और फ्रेंड्स ये हमारा प्योर कॉपर वाइंडिंग में नहीं होगा, ये हमारा मिक्स है। और फ्रेंड्स ये देखिए इसका जो आप कोर साइज़ भी देख सकते हैं, ये हमारा जो है 2 इंची है, दो नहीं ये 2.5 इंच है शायद, हाँ 2.5 इंच हमारा। एक बार मैं नाप के देख लेता हूँ फ्रेंड्स, हमारा 1.5 इंच इसकी कोर साइज है, 2.5 इंच है। ये देखिए हमने गलती से बोल दिया 2.5, तो हमारा इतना हो जाएगा। तो ये 1.5 इंच इसकी कोर साइज है, काफ़ी अच्छा कोर साइज है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पूरा आपको कंप्लीट 5 एम्पीयर का मिलेगा, क्योंकि कंपनी का। बाकी ट्रांसफार्मर तो बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, 350 के मिलते हैं आपको, जो है 250 के मिल जाएंगे। तो मगर वो उससे अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि 72-65 आईसी है। तो आपको ये यूज़ करना। तो एक बार मैं इसका वेट भी आपको चेक करा देता हूँ। तो आप ये देखिए, हाँ ये देखिए लगभग इसमें देखिए 1.5 किलो वेट है। ये देखिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर वेट थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ दिखा रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर है, तो आप इसका देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। अगर इसका यूज़ करेंगे तो बेस बहुत ज़बरदस्त आएगा इसमें। अगर आवाज़ फुल भी कर दोगे तो आवाज़ कभी भी नहीं फटेगी या हमारा होम थिएटर बंद नहीं होगा। तो ये चीज़ इसका फ़ायदा है। अब चलिए फ्रेंड्स अपने बूफर पे आ जाते हैं। तो बूफर देखिए हम इसमें मिल्टन कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि 50W 8 ओम में हमारा, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और फ्रेंड जो इसकी जो कॉयल की साइज़ है हमारी जो है 1.5 इंची कॉयल की साइज़ है। बाकी फ्रेंड्स अब ये हमारा बूफर नहीं, सब बूफर टाइप है थोड़ा सा। उसका डीप बेस के लिए देख सकते हैं इसका कौन किस तरीके से अंदर बाहर हो रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें ज़बरदस्त, यहाँ पे अगर आप इसको यूज करोगे होम थिएटर में 72-65 राइट में अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा बेस आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बेस आएगा। ये देखिए अच्छे क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स ये आपको ये 550 तक का मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा है। बाकी आप सस्ते में बोलोगे सस्ते में भी मिल जाएगा 350-250 रुपये में, बट वो ये फ्रेंड्स में क्वालिटी उतनी ज़बरदस्त नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स यही वाला हम होम थिएटर में जो है अपना यूज़ करेंगे मिल्टन कंपनी का, काफ़ी अच्छा बूफर है। और फ्रेंड जो इसमें सैटेलाइट स्पीकर हम यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए ये भी हमारा मिल्टन कंपनी का काफ़ी अच्छा सैटेलाइट स्पीकर है। और फ्रेंड इसमें जो इनबिल्ड आपको ट्विटर मिल जाएगा, तो ये हमारा 5 इंची का इसमें हमारा ये है हमारा जो है सैटेलाइट स्पीकर है। और उसमें देखिए यहाँ पे जाली भी लगा है, तो अलग से आपको इसमें जाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारा देखिए 120 वाट लिखा है, बट ये हमारा जो है 50 वाट तक का है हम मान के चलिए। और इसमें इनबिल्ड ट्विटर भी है, तो ये आपको 2 पीस मिल जाएगा, आप ले सकते हो। ये आपको 750 रुपये मिल जाएगा। जो भी फ्रेंड इसमें सामान यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा सामान यूज़ कर रहे हैं। और इसका ये देखिए इस तरीके से डिब्बा है, तो इसकी पैकिंग देखिए ज़बरदस्त होती है। 2 पीस आता है ये मिल्टन कंपनी का। बाकी आप जो इसको सस्ते में भी लगा सकते हो, और भी कई रेट में आता है ये, बट हमने जो है इसमें जो भी होम थिएटर में सामान यूज़ कर रहे हैं सब महंगे वाले यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं, बाकी हम ब्लूटूथ पैनल पर आ जाते हैं। ब्लूटूथ पैनल पर हमने देखिए महंगा वाला इस बार ख़रीदा है, 350 रुपये तक का। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी रेडियो FM और HD कार्ड सपोर्ट और सब मिल जाता है आपको। डिस्प्ले इसका देखिए काफ़ी बड़ा है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए ऑडियो सिग्नल के लिए, बाकी ये हमारा पावर के लिए हो गया। और यहाँ से फ्रेंड अपने TV कनेक्ट करने के लिए ऑडियो जो है शेयर होगा, यानी जो TV या लैपटॉप से कनेक्ट करोगे इसमें होगा। बाकी ये देखिए इसकी IC है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ पैनल है। और फ्रेंड इसके साथ कनेक्टर और रिमोट मिल जाता है, और रिमोट जो फ्रेंड मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, इतनी अच्छी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने अलग से रिमोट खरीद लिया। बाकी ये रिमोट भी आप ले सकते हो, हमको 50 रुपये तक का मिल जाएगा। इसमें अलग से आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, तो काफ़ी अच्छा रिमोट है, तो आप रिमोट ले सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देखिए और भी कई सारे पार्ट हैं हमारे पास, जैसे कि फ्रेंड्स आप ये देखो ये सब जो हमारे साइड में जो लगते हैं पकड़ने के लिए होम थिएटर को। तो फ्रेंड्स ये सब हमने बनाया है, ये सब हमने परचेज नहीं किया, क्योंकि मार्केट फ्रेंड मिलता ही नहीं है ये सब चीज़ें। तो हमने इसे घर पे बना लिया, PVC पाइप का यूज़ करके ब्लैक पेंट करके बनाया है। और फ्रेंड्स ये हमारा वॉल्यूम ट्रेबल बेस कंट्रोल ट्रे है, जो इसमें लगेगा हमारा पोटेंशियल मीटर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर बैक साइड से, ये देखिए इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पे फ्रंट में जो इसका यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम कंट्रोल लग जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो हम इसमें नॉब लगा रहे हैं हमारा मेटल का है, ये आपको जो है 10 रुपये का एक सिंगल मिल जाएगा।
तो इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ लगेगा, तो फ्रेंड देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी फ्रेंड ये जो इसकी फुल मेकिंग वीडियो हमारे जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो हमने इसे खुद कैसे बनाया है, हमने घर पे ही बनाया, तो उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया है। और ये हमारा साइड वाला पकड़ने वाला हत्था हो गया, जो साइड में हमारा पकड़ने के लिए होता है, देखिए इस तरीके से साइडों में लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए हाथ इस तरीके से चला जाएगा, जो होम थिएटर का पेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पकड़ने के लिए बनाया, जैसे कि आपने कंपनी का जो देखा होगा। और इसमें जो एयर पाइप हम यूज़ करेंगे, देखिए 2.5 इंची का एयर पाइप, ये भी हमने घर पर ही बनाया है PVC पाइप का यूज़ करके। और फ्रेंड इसको कैसे बनाया, तो इसकी हमने कम्प्लीट वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दे दिया है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, इसके भी वीडियो हमने बनाया है। और देखिए कितने अच्छे से हमने बनाया है, इसमें यहाँ पे जाली लगा दी जिससे कि चूहा हुआ ना जाए। और बेस इसमें फ्रेंड काफ़ी अच्छा आएगा हमारा, 6 इंची के लिए फ्रेंड्स का परफेक्ट 2.5 इंची का यहाँ पाइप है, नहीं तो आप 3 इंची तक का ले सकते हो। ये सब पाइप फ्रेंड्स आपको हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा, तो उस पर हमने देखिए इसको बनाने के बाद यहाँ से गर्म करके देखिए किस तरीके से मोड़ा, तो आप इसको बता भी नहीं सकते हो घर पर हमने बनाया है। और इसमें हमने देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पेंट कर दिया है ब्लैक पेंट, और इसकी चमक आप दे सकते हो साइन, तो काफ़ी अच्छी साइन है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। उसके साथ बैक में हमने देखिए एक ट्रे बनाया है बैक पैनल बनाने के लिए, यहाँ पे हमारा जो है कनेक्टर लगेगा AC के लिए, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगेगा और यहाँ पे जैक लगेगा। तो क्या चीज़ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 चीज़ें इसमें लगेंगी। और ये भी हमने PVC पाइप का घर पर ही बना रखा है, तो इसको जो है यहाँ से आपका कनिये लग जाएगा इस तरीके से, पावर के लिए जो रहेगा आपका फीमेल कनेक्टर, यहाँ पर पावर रहेगा 220 वोल्ट AC, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच लग जाएगा आपका। और फ्रेंड्स ये हमारा जो TV से कनेक्ट करने के लिए ऑडियो है, राइट और लेफ्ट स्पीकर का ऑडियो जो रहता है इसमें शेयर करने के लिए, जैसे कि TV से लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो इस कनेक्टर के थ्रू, आप ये देखिए जो होता नहीं है, तो उसके लिए है फ्रेंड्स ये इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, ये देखिए इस तरीके से बैक पैनल के, तो हमने उसके लिए अलग से ट्रे बना लिया है। तो फ्रेंड्स ये घर पर ही हमने बनाया है, आप इसे घर पर बना सकते हो। अब फ्रेंड मेन चीज़ आ जाता है बूफर का, जो कवर आप साइड में लगाओगे, जैसे खाली बूफर तो उसका कवर छोड़ोगे नहीं भाई इस तरह, क्योंकि इसमें लात लग सकता है, किसी का फट सकता है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता जो साइड में बूफर लगा हो। उसका आपको पर्दा जो मार्केट में मिलता नहीं है, तो हमने देखिए उसको भी घर पे ही बनाया है। ये देखिए हमने यहाँ पे PVC पाइप का देखिए इस तरीके से बिट बना लिया था काट के, जो PVC पाइप बोल रहा हूँ MDF बोर्ड का हमने यूज़ करके जो बनाया था, देखिए हमने काट के इसको बनाया। और फुल मेकिंग वीडियो हमने इसका भी अलग से बनाया है, आपको आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और इसमें फ्रेंड्स हमने कॉटन का कपड़ा लगाया है, जो कि फ्रेंड्स आपको कपड़े की दुकान पर मिल जाएगा, तो आप इसे 1 मीटर ले सकते हो कपड़ा, तो उसमें आराम से आपका 4-5 स्पीकर की जाली बन जाएगी। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, जो कि हमारा जो है 6 इंची बूफर के लिए ही है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, मगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको जैसे ही आप लगाओगे तो पूरे बिल्कुल भी आर पार आपका नहीं दिखेगा, ये देखिए। बाकी फ्रेंड्स इस तरीके आपको एक रिबन वायर की जरूरत पड़ेगी, जो कि 35 रुपये मीटर मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके काफ़ी अच्छा रिबन वायर है, इससे पूरी वायरिंग हो जाएगी आपके होम थिएटर की। और फ्रेंड जो इसके AC का केबल हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको 120 रुपये में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा केबल है फ्रेंड्स की क्वालिटी आप देख सकते हो वायर की, कहीं से भी मेन चीज़ होता है यहीं से ये ख़राब हो जाता है ये केबल, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जो फ्रेंड्स पहले हम होम थिएटर बनाते तो उसमें हम ये वाला केबल देखिए यही वाला यूज़ करते थे 2 पिन वाला, जो कि फ्रेंड्स आपको ये वाला 40 रुपये में मिल जाएगा, तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो कैसी है ये आराम। फ्रेंड्स यहाँ से दिक्कत करता है, यहाँ से केबल जल जाता है बीच से, या तो टूट जाता है, तो ज़्यादा चलता नहीं है, 4-5 महीने में ख़राब हो जाता है, और यहाँ से फ्रेंड्स ये शॉर्ट भी करता है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है। बट ये वाला फ्रेंड्स आपका ब्रांडेड कंपनी का है, तो इसमें पैसा भले ज़्यादा लग रहा है, बट ये है कि आपका लंबे समय तक चलेगा। बाकी आप इसकी प्लग की क्वालिटी देख सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स ये सब फ्रेंड्स हम यूज़ करके सब जितने भी सामान हमने दिखाया इसका यूज़ करके फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम होम थिएटर बनाएंगे, उससे पहले फ्रेंड्स हम उसका इंक्लूजर आपको बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएगा होम थिएटर का, कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा। और जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपने चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं होम थिएटर मेकिंग के, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कई सारे होम थिएटर हमने बनाया, सिंगल टावर बनाया हमने, कई सारे चीज़ें होम थिएटर बनाए, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर तो लिंक दे ही देंगे सारे वीडियो का। बाकी फ्रेंड्स की नेक्स्ट वीडियो में आपको इंक्लूजर बनाना बताएंगे कि इंक्लूजर आपको कैसे बनाना है। और फ्रेंड्स इसके लिए जो इंक्लूजर का जो हमारा MDF बोर्ड रहेगा, तो वो हमारा जो है 14 mm या 15 mm का हम यूज़ करेंगे, जो कि इतना मोटा रहता है, तो उससे कम आपका यूज़ नहीं करना, तो बेस अच्छा नहीं आएगा। बाकी 5 इंची तक का आप 8 mm तक का यूज़ में ले सकते, 8 mm आपका इतना पतला होता है, ये देखिए हमने आपको दिखा दिया, तो वो सब ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जितने भी सामान हैं ये सब सामान आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं, आपको परचेज करने के लिए फ्रेंड्स हमने ऊपर जो है व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हमसे बात कर सकते हैं आप, जो है इसकी ऑल इंडिया डिलीवरी करा देंगे। और फ्रेंड्स आप इसे कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं, बट फ्रेंड्स आपको पूरा कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगा, आप डिलीवरी चार्ज हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, फिर आप जो इसको ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्ज भी लगना है। फ्रेंड्स आप ये सबको सामान आपको बहुत सस्ता तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि हाँ फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त रहेगी, अगर आपको ये मार्केट में नहीं मिलता तब आप हमसे ले सकते हो,
क्योंकि लोकल मार्केट में ये रहेगा फ्रेंड्स, आपका ड्यूटी चार्ज उसमें नहीं लगेगा, वो आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो आप कोशिश करना लोकल मार्केट से, और जो लोग बहुत गांव में रहते हैं जहाँ पे ये सब सामान मिलता नहीं है, तब आप हमसे ये सब ले सकते हो। तो वो चीज़ें फ्रेंड्स, फिर आपको जो है कि वो चीज़ें क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगी आपकी, ये सब जो भी चीज़ देंगे। और फ्रेंड जो स्पीकर होता है, ये जो हमारा बूफर है, आप सब बूफर आप इसे बोल सकते हो, ये भी फ्रेंड बहुत सस्ते में भी आता है ये, मगर हम जो इसमें जो काफ़ी अच्छा होम थिएटर बता रहे हैं उसका 4000 के ऊपर बजट आएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसमें बहुत क्वालिटी जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें जो भी सामान है उसमें बहुत ज़बरदस्त हम यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी जो ब्लूटूथ पैनल होता है जो 350 वाला हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो तो 100-100 रुपये का भी आता है, 80-80 का, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें ये होता है कि फ्रेंड्स आवाज़ जो इसमें इतनी क्लियर नहीं रहती है, ब्लूटूथ जो इसमें कट जाता है 5 मीटर से ऊपर जाओ या, तो वो चीज़ें समस्या होती हैं। तो इस वाले में आपको ऐसी समस्या नहीं मिलेगी, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और स्पीकर जो होता है फ्रेंड्स 60-60 रुपये का भी आता है 4-4 इंच में, तो हम वो भी यूज़ कर सकते। तो बट फ्रेंड्स हम इसमें अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि फ्रेंड बेस इसमें ज़बरदस्त आए। तो इसलिए फ्रेंड हमने यहाँ पे खर्चा करके देखे महंगे महंगे स्पीकर यूज़ किए हैं। और फ्रेंड जो इसका होम थिएटर का टोटल कॉस्ट आएगा 4000 के ऊपर जाएगा, इंक्लोजर मिला के, इंक्लोजर ही फ्रेंड हमारा 1500 के ऊपर बनेगा। तो वो चीज़ें, तो फ्रेंड जब हम बना रहे हैं तो फ्रेंड अच्छे से बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त रहेगी, तो उस हिसाब से हम बना रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही होम थिएटर बनाना है जिससे कि फ्रेंड उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त रहे और बेस भी ज़बरदस्त आए उसमें। मार्केट में तो बाकी फ्रेंड सस्ते में तो मिल ही जाता है, तो वो क्वालिटी उसमें नहीं मिल पाती है जो फ्रेंड्स हम घर पर बना रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड जब आप खर्चा कर ही रहे हो तो काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ों को बनाओ। और फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में तो हम इंक्लोजर बनाएंगे, तो फ्रेंड्स वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। बाकी फ्रेंड्स आपको इस वीडियो कैसा लगा, फ्रेंड्स कंप्लीट नॉलेज कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड कोई भी समस्या आता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए फ्रेंड्स आप हमारा चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो।